देखो बेटा, इस यहाँ पर एक क्या है आपका लूप है, ठीक है, एक ही लूप है, सिंगल लूप है। देखो आप एक ही करंट चल सकते हैं, इधर से करंट जाएगी ऐसे घूम के ऐसे चल, ठीक है। बट यहाँ पर एक क्लोज लूप एक तरह से दो दिख रहे हैं, फेराडेज लॉ आपको जैसे अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक लूप ये दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है, तो दोनों में करंट कैसे चलने की कोशिश करेगी, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो आपको करना सब क्वेश्चन में यही होता है कि आप क्या करते हैं कि मैग्नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, उतने की बैटरी काट के लूप में लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बैटरी लगाओगे, देखो तो कैसे बैटरी लगे, इस तरह की दो बैटरीज नहीं बनेंगी क्या, जिसका होगा इस बैटरी का मैग्नीट्यूड होगा एरिया, एरिया इसका कितना है, A1 है, इतने पार्ट का एरिया, A1 इज ग्रेटर देन A2, दिख भी रहा है। तो इसमें इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा, A1 × K हो जाएगा, कि A1 × dB/dt, A1 × K, और इसमें इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा, A2 × K, बताओ। बट मैंने यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया, देखो इसमें करंट ऐसे चलाने की कोशिश करेगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेगा, तो ये बैटरी दोनों अपोज कर रही है, ठीक है। इसलिए आपका नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना बोला जाएगा, E1 − E2 बोला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे सब, ठीक है। दोनों बैटरीज दो लूप दिख रहे हैं आपको, तो लूप के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, इस क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आप लगा दीजिए, काट के बैटरी लगा दीजिए, कितने की एरिया हुई, वो ये आपका d5/dt से जो निकल के आया, ठीक है। तो कितना निकल के आया, A1 × dB/dt, और इधर निकल के आया A2 × dB/dt। बट दोनों बैटरीज देख रहे हो आप, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलाने की कोशिश करेगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो लगा दीजिए दोनों बैटरी। अब देख लीजिए कि इससे अगर करंट चलेगा तो इधर आएगा और ये करंट ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये बैटरी लगाना समझ रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज चलाने की कोशिश के लिए बैटरी ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इधर होना चाहिए, इसकी भी बैटरी ऐसी होनी चाहिए। तो पहले दोनों लूप की बैटरी लगा दी, फिर देख लिया कि आप किधर इसमें नेट ईएमएफ कैसे आएगा, अगर दोनों बैटरी सपोर्ट कर रही है तो ऐड कर देंगे, अपोज कर रही है तो माइनस कर, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है ये वाला, तो फिर से बढ़ रहा है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज सब करेंगे कोशिश, बट बताओ अब ये सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे दोनों, ये नेग्लेजिबल है, तो A1 ये है, A2 ये, तो आपको इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है कितना हो, बताइए। हाँ ऐड हो जाएगा, वेरी गुड भाविक। देखो आप इसमें, अब इसमें आप बैटरी लगाओ पहले, दो ही दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी बैटरी नहीं बनेगी इसमें, इस बैटरी लगा दिया करो पहले आप, तो बैटरी लगा दी आपने E1 और E2, ठीक है ना, E1 E2 बैटरीज लगा दी आपने दोनों, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाने की कोशिश करेगी। आप देख लो इसके कारण इधर जा रहा है, इसके कारण भी इधर ही जा रहा है, तो सपोर्ट कर रही है दोनों बैटरी, ठीक है। जब सपोर्ट कर रही है बैटरी, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 + E2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, K × A1 + A2 आ जाएगा। देखो डाउट तो नहीं किसी को, इसमें बता सकते हैं कि अब क्या होगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में कोशिश करेंगे तो आप अपोज कर जाएगी ना बैटरी बेटा, इसमें बताइए, इसमें बैटरी अपोज करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि आपके दोनों इधर देखो ऐसे, ये कोशिश करेगा ऐसे ही वो करेगा, अपोज तो इसमें करेगी अपोज कर, तो EMF सर, नेट, अपोज। हाँ नेट नेट इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 − E2 K π A² − B² हो जाएगा। तो इस तरह का है बेटा कि अगर आपकी बैटरी देख लो सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, ठीक है, पहले बैटरी लगा दो मल्टीपल लूप्स की अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले बैटरी लगानी है आपको, उसके बाद डायरेक्शन देख लेनी है दोनों लूप, कोई गलती नहीं करेगा इस तरह के प्रॉब्लम, काफी सिंपल।